ऑटो कैड सीखने की सीरीज में आप सबका स्वागत है दोस्तों। और बहुत सारे मेरे व्यूवर्स हैं जो कि ऑटो कैड की वीडियोस अभी देख रहे हैं, तो मैं उन सबको रिकमेंड करूंगा कि आप वीडियो देख रहे हो तो सीरियल से देखो, सीरीज से आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। स्टेप बाय स्टेप 28 वीडियोस मैंने अपलोड किए और आज के वीडियोस में ऑटो कैड का कुछ नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके सामने लेके आने वाला हूं। तो पहले मैं कंप्यूटर पे दिखा देता हूं कौन सा ये आज का टॉपिक है तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए, मैं हूं सतीश, लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। लेट्स बिगिन टू लर्न दिस ऑटो कैड टॉपिक। ऑटोकैड के लेक्चर नंबर 29 में आप सबका स्वागत है दोस्तों, जिसमें मैं आज आपको ये मैकेनिकल टूल्स पढ़ाने वाला हूँ। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये ड्राइंग्स, तो ये ड्राइंग मैकेनिकल एक टूल्स है, तो इसे कैड में कैसे बनाना है ये प्रैक्टिकली हम सीखेंगे। तो भैया मैं आ चुका हूँ ऑटोकैड के अंदर आपको ये ड्राइंग पढ़ाने के लिए जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाई इंट्रो पार्ट में। तो यहाँ पे मैं ड्राइंग दोबारा एक बार ओपन कर लेता हूँ और आपको समझा देता हूँ कि ड्राइंग करनी कैसी, क्योंकि हम ड्राइंग पहले समझ लेते हैं ना तो फिर आसान रहेगा उसको ड्रॉ करने के लिए। तो यहाँ पे मैं इस सर्कल से स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरा माउस पॉइंटर आपको दिखाई दे रहा है कहाँ पे है, और ये सर्कल जो है बाहर का जो 35 डायमीटर का और अंदर का 70 डायमीटर का। तो चलिए ये दो सर्कल पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैं सर्कल के लिए सी इंटर करूंगा, मैं शॉर्टकट की से इंटर करूंगा, यहाँ पे सी इंटर करने के बाद मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे डायमीटर है इसलिए डी इंटर 35 डायमीटर। तो यहाँ पे दूसरा सर्कल मैं लेता हूँ, सी इंटर कर रहा हूँ दोस्तों, और सी इंटर करने के बाद मैं यहाँ पे माउस पॉइंटर इसके बॉर्डर पे लेके आऊंगा और उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा इसके सेंटर पे, उसके बाद डी इंटर और 17 एंटर। यहाँ पे दिख रहा है आपको दो सर्कल हो चुके हैं। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है कि इस तरह से सीधी पॉली लाइन यहाँ पे, तो आप इस तरह से पीएल एंटर करके इसके ये टॉप क्वाड्रेंट से सीधी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और सीधी लाइन ड्रॉ करने के लिए एफेक्ट ऑन होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे भी मैंने ड्रॉ किया सीधी लाइन, एफेक्ट ऑन है, एफेक्ट यानी ऑर्थो प्रोजेक्शन। एफेक्ट बटन प्रेस करेंगे तो ये लाइन सीधी आ जाती है। टीआर डबल एंटर कीजिए और यहाँ पे ट्रिम करके इस तरह से आप ये सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है ये शेप काफी आसानी से यहाँ पे बन गया है। तो चलिए अभी आगे के शेप की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं आपको जरा रीडिंग्स दिखा देता हूँ। ये जो सर्कल्स है नीचे के दो सर्कल्स, यहाँ पे आपको दिख रहा है 14 डायमीटर का इंटरनल सर्कल है, आप रेडियस देख सकते हैं तो 7 है, और आउटसाइड जो सर्कल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 28 डायमीटर का, मतलब यहाँ पे रेडियस इसका हो जाएगा 14। रेडियस के तौर पे लेंगे तो हम लोग ऐसा हो सकता है, और डायमीटर 14 और 28 इस तरह से आपको दिख रहा है 14 एंड 28। तो ये सर्कल मैंने आपको आपको इंटरनल दिखाया कि किस तरह से है। तो ये दोनों ड्रॉ करते, लेकिन ये दोनों कितने डिस्टेंस पे इस पॉइंट से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 46 डिस्टेंस से है यहाँ से इधर तक लेफ्ट, यहाँ पे दिख रहा है ये सेंटर, तो ये सेंटर से ये पॉइंट का डिस्टेंस आपको 46 दिख रहा है, और टॉप से अगर देखेंगे तो 56 डिस्टेंस है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कैसे करना है उसके लिए। तो मैं यहाँ पे पीएल एंटर कर रहा हूँ और इसके सेंटर पॉइंट से यहाँ पे 56 की एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, और इसके बाद यहाँ पे 46 की एक लाइन ड्रॉ करो, जो कि मुझे यहाँ पे एक पॉइंट्स मिल चुका है अभी। तो इसमें मैं यहाँ पे सी इंटर करूँगा, सी इंटर करने के बाद इधर क्लिक करूँगा और डी इंटर करके पहला 14 है, और फिर इसके बाद सी इंटर, उसके बाद फिर से सेंटर वही, और डी इंटर नहीं किया आपने सपोज, मतलब डायमीटर नहीं लेते हो आप, तो यहाँ पे 14 लेंगे रेडियस, तो ऑटोमेटिकली 28 का डायमीटर का यहाँ पे सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें आपको समझनी है, यहाँ पे आप डायमीटर करके भी कर सकते हैं, रेडियस करके भी कर सकते हैं। तो चलिए ये सर्कल यहाँ पे आ चुका है, आपको दिखाई दे रहा है ये डिस्टेंस जो मैंने एक पॉली लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे टेम्पर ले लिया, और उस डिस्टेंस पे ये दोनों सर्कल मैंने रख दिए हैं। अब मैं यहाँ पे तीसरा सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है राइट साइड में वही दो सर्कल का, ये दो सर्कल है, यही कॉपी है इसका, तो मैं इसी का कॉपी यहाँ पे रख देता हूँ। तो कैसे कॉपी पेस्ट करना है मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ सिंपली क्या करना है उसके लिए। उसके लिए यहाँ पे डिस्टेंस है 60, ये 60 डिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है इस सेंटर पॉइंट से लेकर इस सेंटर पॉइंट तक है, और इसका डिस्टेंस है 39। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे फिर से पॉली लाइन लेके दिखा देता हूँ। पॉली लाइन से आपको यहाँ से यहाँ तक आना है 60, और यहाँ से ऊपर जाना है आपको 39, और यहाँ पे आ चुका है इसका यहाँ पे पॉइंट, और CO एंटर करेंगे हम, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, इसका बेस पॉइंट लेके हम लोग कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो इस तरह से ये हो जाएगा दोस्तों। तो आपको ये सर्कल भी यहाँ पे मिल चुके हैं, तो काफ़ी इजी ये समझ में आया होगा आपको। इस सर्कल से आपको पॉलीलाइन करके इस तरह से क्वाड्रेंट से आगे बढ़ना, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे कर देनी और एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे रख देनी है। फिलहाल इसका यूज़ कैसे करेंगे आपको मैं बताऊंगा, लेकिन पहले ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पे आप रख सकते हैं इस तरह से। तो अब आगे के सर्कल्स आप देख सकते हैं, ये दो सर्कल जो ये दो सर्कल से सेम यहाँ पे एज इट इज़ है, 14 दिख रहा है आपको और ये 28 का, मतलब 14 रेडियस, जाहिर सी बात है इसका 14 रेडियस मतलब 28, ये दोनों सर्कल ही यहाँ पे भी है। तो ये दोनों सर्कल्स को यहाँ पे भी मुझे रखना है, तो इसका डिस्टेंस कितना है ज़रा देखिए, यहाँ से आप आएंगे इस तरफ तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 49 डिस्टेंस ऊपर दिया है, तो इस सेंटर से इसका डिस्टेंस है 49, यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो अब चलिए यहाँ पे जो पोजीशन इसका लेना है वो कहाँ से कैसे रहेगा, इस क्वाड्रेंट से, ये क्वाड्रेंट से आप इधर आएंगे सीधा, तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये सर्कल इसे टच है, मतलब इसका क्वाड्रेंट बन रहा है,
तो ये सर्कल का क्वाड्रेंट, ये सर्कल का क्वाड्रेंट, मतलब यहाँ पे इसका जो रेडियस है बाहर का 14, तो यहाँ से इसका 14 डिस्टेंस है ऊपर से नीचे। तो चलिए वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ कैसे है। पहले मैं PL एंटर कर देता हूँ और इस लाइन को स्ट्रेट यहाँ पे, इस लाइन को यहाँ पे स्ट्रेट रख देता हूँ दोस्तों। इस तरह से ज़्यादा डिस्टेंस मैं ले रहा हूँ, फिलहाल यहाँ पे डिस्टेंस नहीं दिया है आपको कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना डिस्टेंस है, तो आपको बस यहाँ पे इस तरह से स्ट्रेट लाइन करनी है। फिर उसके बाद करना क्या है, यह 49 का डिस्टेंस लेना है इस साइड से। तो PL एंटर कर रहा हूँ मैं, PL एंटर करने के बाद आप इस लाइन को यहाँ पे टच कर दो इस पॉइंट के ऊपर और यहाँ से 49 डिस्टेंस पे आ जाओ। तो 49 डिस्टेंस से नीचे आना है आपको, और नीचे आना है 14। तो यहाँ पे 14 इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो सर्कल है, मैं आपको सर्कल ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, इस तरह से ये सर्कल है। तो ये सर्कल बराबर 14 का है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये उसका सेंटर पॉइंट और यहाँ पे उसका क्वाड्रेंट पॉइंट है, तो इसलिए ये इस तरह से सर्कल है। तो ये 14 डिस्टेंस पे मैंने ले लिया है। तो और एक सर्कल यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट CO एंटर करूँगा कॉपी करने के लिए, इसको सिलेक्ट करूँगा राइट क्लिक और इसका बेस पॉइंट लेके यहाँ पे कॉपी पेस्ट, या फिर आप नया सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सर्कल बन चुका है। और TR ट्रिम दोस्तों, ट्रिम करने के लिए यहाँ पे मतलब ट्रिम की ज़रूरत क्या है आपको समझ में आएगा कि इसको यहाँ पे हम ट्रिम कर देंगे, जो ऊपर की लाइन है उसको हटा देंगे। तो इस तरह से मैंने ये सर्कल्स यहाँ पे रख दिए हैं। अब मैं आगे बता देता हूँ कि यहाँ पे करना क्या है। मैं ये लाइंस को डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे जो लाइंस है वो डिलीट कर देता हूँ। तो अभी यहाँ पे एक सर्कल दिख रहा है आपको R49 का, वो ड्रॉ कर लेते हैं। ये दिख रहा है आपको R49 आर्क है यहाँ पे, हालांकि ये सर्कल किस तरह से होगा या आर्क किस तरह से होगा, 10-10 रेडियस हम इसके लिए लेंगे। तो आपको 10-10 रेडियस कहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ड्रॉ में आपको जाना है सर्कल के अंदर, जो कि मैंने काफ़ी लेक्चर्स में इसके बारे में बताया है, पुराने ड्राइंग्स में भी हमने इसका यूज़ किया है। 10-10 रेडियस जो कि आपको अभी मैंने दिखाया, यहाँ पे एक टेंजेंट हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक टेंजेंट क्लिक करेंगे और उसका रेडियस कितना था, जी हाँ 49 रेडियस है। तो मैं यहाँ पे 49 दे देता हूँ और यहाँ पे वो सर्कल आ चुका है, जिससे आप TR डबल एंटर करेंगे तो ये साइड आप उसका ट्रिम करेंगे तो ये सर्कल का आर्क बन जाएगा, जो कि वहाँ पे मुझे आर्क ही चाहिए। तो चलिए ये शेप बन गया। अभी यहाँ पे देखिए आप कौन सा शेप है, R8 है दोस्तों। तो R8 बनाने के लिए आपको करना है यहाँ पे सेम C int T int, यानी कि C मीन्स सर्कल, T मीन्स 10-10 रेडियस। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस सर्कल पे यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, इधर क्लिक कर रहा हूँ और उसका मैंने बताया था आपको 8 रेडियस, तो 8 टाइप कीजिए यहाँ पे, तो TR डबल एंटर एंड ट्रिम करके इसको हटा दीजिए। तो 8 यहाँ पे इस तरह से बन गया है। अब आते हैं इसकी तरफ, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 11 रेडियस है, 11 रेडियस है ये पॉइंट, ये लाइन क्वाड्रेंट की और ये सर्कल का। तो चलिए मैं यहाँ पे एक 10-10 रेडियस दोबारा लेता हूँ, C मीन्स सर्कल दोस्तों। तो सी इंटर मैं यहाँ पे करता हूँ और उसके बाद टी इंटर करता हूँ 10-10 रेडियस, और यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ पे क्लिक करके 11 टाइप करके एंटर कर देता हूँ, जो कि यहाँ पे एक सर्कल आ चुका है। तो आपको ये समझ में आया होगा किस तरह से ये सर्कल आते हैं। तो इस तरह से मैंने ये यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, आपको क्लियरली अभी दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पे लगभग ड्राइंग हमारी बन चुकी है। TR करके हम इसको भी यहाँ पे ट्रिम कर सकते हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो अभी आगे है हमारा, जैसे कि यहाँ पे आपको दिया है R22 अंदर का जो ये शेप बाकी है हमारा, अभी इसमें R22 दिया है, यहाँ पे R6 दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं R36 है और यहाँ पे R11 है। तो यहाँ पे जो अंदर का शेप बनाना है दोस्तों मुझे, मैं क्या कर रहा हूँ आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे 45 का डिस्टेंस जो दिया है, यहाँ पे इस क्वाड्रेंट पॉइंट से हम लोग यहाँ तक जाएंगे तो 45 का डिस्टेंस है, और इन दोनों सर्कल के बीच में जो कि 32 का डिस्टेंस है। तो चलिए पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते कि किस तरह से होगा ये सर्कल जो पहला ड्रॉ करना है मुझे 11 का। तो मैं यहाँ पे PL एंटर करूँगा पॉलीलाइन और इस क्वाड्रेंट से सीधा आपको दिख रहा है 45 डिस्टेंस पे हमें लेना है, वहाँ पे 45 यहाँ पे मैं ले रहा हूँ। सी इंटर करूँगा, यहाँ पे 11 का सर्कल आपको ड्रॉ करना है तो मैं 11 टाइप कर देता हूँ, इस तरह से आपको 11 का सर्कल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये ड्रॉ हो चुका है। तो उसके बाद आपको 32 का डिस्टेंस लेना है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ से 42 का डिस्टेंस पे ये सर्कल अवेलेबल, इसका सेंटर पॉइंट अवेलेबल है। तो मैं PL एंटर कर देता हूँ और यहाँ पे 42 का डिस्टेंस ले लेता हूँ, यहाँ से आप ले लेंगे तो ये सर्कल यहाँ पे मिल जाएगा, सर्कल जो कि है 6 का। तो आप सी इंटर और यहाँ पे सर्कल लेंगे 6, ओके। तो ये दोनों सर्कल बन गया और यहाँ पे 10-10 रेडियस करके 36 और यहाँ पे 22 या 21 समथिंग है, तो चलिए 22 ही ले लेते हैं। फिर मैं यहाँ पे सी इंटर कर रहा हूँ 10-10 रेडियस के लिए, टी इंटर करूँगा दोस्तों और यहाँ पे देखिए सर्कल जो टच है वो देखना है आपको कहाँ पे, इस मिडल पॉइंट यहाँ पे हो सकता है सेंटर का, तो यहाँ पे इस तरफ है क्वाड्रेंट से और इस तरफ है क्वाड्रेंट से, तो मैं सर्कल को इधर टच करूँगा और इधर टच करूँगा, उसके बाद 36 दे दूँगा। तो आपको ये 10-10 रेडियस देते समय ये ध्यान में ज़रूर रखना है और उसके बाद तुरंत ट्रिम कर लेना है, ताकि आपको समझ में आएगा कि अभी अभी जो सर्कल आपने लिया है वो आपको कहाँ तक इस तरह से उसको आर्क में कन्वर्ट करना है, मतलब ट्रिम करके। तो ये हो गया यहाँ पे 36 का। चलिए मैं अभी आपको 22 का बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसके लिए सी इंटर और टी इंटर कर देता हूँ, इस पॉइंट पे क्लिक कर देता हूँ पहले और दूसरा इधर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे 22 आ जाएगा।
और मैं टी आर डबल इंटर करूँगा दोस्तों, और टी आर डबल इंटर करने के बाद ये ट्रिम हो जाएगा इस तरह से। ओके दोस्तों, ये ट्रिम हो चुका है, ये भी ट्रिम कर दीजिएगा। इस तरह से आपको ये शेप यहाँ पे मिल चुकी है, और ये एक्स्ट्रा लाइन जो थी वो भी मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। बाद में डायमेंशंस दिखाने के लिए डी आर ए डायमेंशन रेडियस डायमेंशन लीनियर वगैरह आप शो कर सकते हैं, और ये ड्राइंग यहाँ पे कैसे बनी है ये आपको अभी पता चला होगा दोस्तों। तो ये था एक कैड का इंटरेस्टिंग लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको समझा होगा और इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। जो कैड के यूज़र्स है वो कुछ इनोवेटिव सीखना चाहते हो तो ऐसे कुछ ड्राइंग्स आप बनाओ, प्रैक्टिस करो। और सो कैसा लगा दोस्तों ये ऑटोकैड का आज का ये लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक करेंगे। मैं मिलूंगा आपको कुछ और इंटरेस्टिंग ऑटोकैड के ड्राइंग्स और टेक्निकल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए एक ही कहूँगा, सीखते रहो सिखाते रहो, बाय बाय।